अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बंधु का बैठक संपन्न। जनपद कुशीनगर के नगर पंचायत दुधई में दिनांक 22/7/2024 को दिन सोमवार को ब्लॉक स्तरीय बैठक गांधी चौक समय सुबह 10 बजे रखी गई थी, जिसके मुख्य वक्ता गोरख प्रांत के प्रांत महामंत्री माननीय श्री चंद्रेश्वर सिंह जी रहे और जिला अध्यक्ष कुशीनगर रंजीत गुप्ता जी, जिला उपाध्यक्ष विनय यादव, जिला महामंत्री विश्वजीत, तहसील अध्यक्ष ज्वाला पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष दुधई अर्पित कुमार राय, उपाध्यक्ष मधुसूदन चौहान, नगर उपाध्यक्ष नितेश प्रजापति, अमन मिश्रा, ग्राम अध्यक्ष पड़ोन मोड़ही, आकाश मंगू, दीपू मदेसिया, रवि रौनियार, आयुष मिश्रा, छोटेलाल वर्मा, संदीप कुशवाहा, हरेंद्र शर्मा, मनीष पटेल, रमेश इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपका शुभ नाम? चंद्रेश्वर सिंह। सर, बीच में बात, अपने हिंदू समाज के लिए क्या प्रेरणा देना चाह रहे हैं आप? देश में जो धर्मी शक्तियाँ जागृत होकर के हिंदू समाज को जो पराजित करना चाहती हैं, अभी एक रिपोर्ट आया था जिसमें 22.8% के हिसाब से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है और 7.8% के हिसाब से हिंदू समाज का संख्या घट रहा है। इसको समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर पुण्य भाई तोगड़िया जी ने पूरे देश में 1,00,000 हनुमान चालीसा केंद्र की घोषणा किए हैं और आगामी जो कुंभ का अवसर है प्रयाग में, उस दिन तक 1,00,000 हनुमान चालीसा केंद्र अपना प्रारंभ हो जाएगा। ये बजरंग दल जो है, जो किस हिसाब से काम करता है क्षेत्र में? बजरंग दल जो हिंदू समाज को जागृत करने के लिए, नौजवानों को जागृत करने का काम करता है, ताकि आगे आने वाला जो समय है बहुत भयावह है, इसलिए हिंदू समाज को बचाने के लिए अपने नौजवानों से हनुमान चालीसा केंद्र का प्रेरणा आह्वान करता है और प्रत्येक नौजवान से 3 दिन 4 दिन कोई 5 दिन समय देने के लिए आह्वान करता है। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम राजन ब्याहुत है। हमारे चैनल के माध्यम से पूरे हिंदू समाज के लिए कुछ प्रेरणा देना चाहेंगे? हिंदू समाज को कहीं ना कहीं देखा जाए तो एकता के रूप में आना होगा। आज तमाम विधर्मी कार्यदायी संस्था जो है हमारे बीच में कार्य कर रही है और जो हमको तमाम अफवाह झूठ के तरीके से हमको आपस में जात और पात के नाम पे बांटने का कार्य कर रही है, आज वो समय आ गया है हिंदू समाज एकजुट हो और एकजुट हो के अपने आप को मजबूत करे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।